नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज कुमार। आई एम फ्रॉम होम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम जो आए हैं सेक्टर 128 के अंदर खड़े हुए हैं। ये जो बेसिकली टाउनशिप है, ये जेपी के अंदर हम खड़े हैं। यहाँ पर सेक्टर 128 के अंदर खड़े हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये 9 होल का गोल्फ कोर्स है। और यहाँ आप अपार्टमेंट देख रहे होंगे, लाइक यहाँ पर अगस्ता टाउन होम, पवेलियन कोर्ट। इसके अलावा आप पीछे देख रहे होंगे, ये प्लॉट्स बन रहे हैं 418 गज के, और ये पवेलियन हाइट। और लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो कैलिप्सो कोर्ट के अपार्टमेंट हैं। इसी के बीच में अगर हम लोग देखते हैं वहाँ पर बीच के अंदर, तो अभी मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे वहाँ से, वो इंपीरियल कोर्ट के अंदर अपार्टमेंट है, जहाँ पर 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। और कैलिप्सो कोर्ट के अंदर 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम है। ये बेसिकली लग्जरी प्रॉपर्टी है, और जहाँ पर हम खड़े हैं ये सारे के सारे लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे आज जो हम कवर कर रहे हैं वो जेपी के गोल्फ के प्लॉट्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें लाइक साइजेस हैं 239 स्क्वायर यार्ड, फिर उसके बाद 299 है, 358 है, 418 गज का प्लॉट है और 538 गज का प्लॉट है। ज़्यादातर प्लॉट जो है यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गए हैं। बीच में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी समय से रुका होता, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन जो है वो फुल स्विंग मोड पर है। और आज की डेट में काफ़ी घर बन भी चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो कई कोठियों के अंदर लोग रह भी रहे हैं, अगर आपने मेरे पीछे देखा होगा बन चुके हैं। ये 418 गज का साइज़ है। अभी हम लोग पूरे सेक्टर को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम इसमें आपको कमर्शियल मार्केट भी दिखाएंगे इनकी, कि यहाँ पर क्या क्या मूलभूत सुविधाएँ हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल है जेपी का, वो भी दिखाएंगे आपको। इसके अलावा गोल्फ कोर्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। गोल्फ कोर्स मेरे पीछे है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे, ये 9 होल का है। मेरे राइट साइड में जो है वो 18 होल का गोल्फ कोर्स है। टाउनशिप की बात करते हैं तो 1162 एकड़ की ये टाउनशिप है, जिसमें करीब करीब यहाँ पे 30 से प्लस प्रोजेक्ट हैं। पहले प्रोजेक्ट रुके हुए थे, लेकिन आज की डेट में सारा बनना स्टार्ट हो गया, बिकॉज अब सुरक्षा ने टेक ओवर कर लिया है। आप लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप विला भी ले सकते हैं, लाइक प्लॉट्स भी ले सकते हैं, गोल्फ प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, या कमर्शियल भी चीज़ें लेते हैं। बीच में भी हम लेकर के चलेंगे, यहाँ पे एक्सेस हाउस है, एक्सेस हाउस भी दिखाएंगे, जो कि इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है एक्सेस बैंक का आज की डेट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जो और भी डेवलपर्स आ रहे हैं कमर्शियल्स, वो भी दिखाएंगे। हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल मैं बता चुका हूँ आपको, जेपी का ऑलरेडी यहाँ पर हॉस्पिटल है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्कूल्स हैं उसकी बात करते हैं, यहाँ पे 6 स्कूल्स हैं ऑल ओवर इस टाउनशिप के बिल्कुल आसपास, जिसमें से जेपी का खुद का स्कूल है, जेपी पब्लिक स्कूल है, जेनेसिस पब्लिक स्कूल है, जेबीएम स्कूल है, समरवेल स्कूल है, डीपीएस स्कूल है, प्रोथमेटिक है, और हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल भी बन रहा है। काफ़ी सारे यहाँ पर अभी जो है स्कूल्स भी बन रहे हैं, और JIT यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शनल है। पिछले 8 साल से यहाँ पर JIT है बना हुआ है, जो JP इंस्टीट्यूट ग्रुप का ही है। अब आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, कोई भी तरह के प्लॉट्स, फ्लैट, अपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं हमें। मैं आपको उसमें अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। फ्यूचर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब इसका हम एक चलेंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे पूरी टाउनशिप का, क्या क्या फैसिलिटी है, जितना हो सकेगा मैं मैक्सिमम दिखाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद सभी आप लोगों का। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जेपी विश टाउन के मेन एंट्रेंस गेट पे। आप मेरे लेफ्ट में देख रहे होंगे, ये एक्सिस हाउस बना हुआ है, और जी का भी कॉर्पोरेट हाउस है यहाँ पर। यहीं से एक्सिस बैंक आज की डेट में ऑपरेशनल कर रहा है अपना पूरा जितना भी मॉडल है उसको। आप यहाँ से जैसे ही हम एंट्री करते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पे अपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो कैलिप्सो कोर्ट के अपार्टमेंट आपको लेफ्ट साइड में दिखेंगे। उसके बाद आपका इंपीरियल कोर्ट आएगा, उसके बाद पवेलियन कोर्ट आएगा, फिर पवेलियन हाइट आएगा, अगस्ता टाउनशिप आएगी। अगर आप इसमें एंटर करते हैं तो उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कमर्शियल बना हुआ है। कमर्शियल के बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे थोड़ा, ये डे टू डू यूज़ के लिए आप सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। यहाँ पे मदर डेयरी भी बनी हुई है, और अंदर जो जेंट्री है, जितने भी जो आपके घर के आसपास जितने भी लोग रहेंगे, हो सकता है वो कोई सेलिब्रिटी भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अंदर फैसिलिटी में आज की डेट में कमर्शियल के अलावा बस स्टैंड बना हुआ है, ऑटो की सारी फैसिलिटी है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स फंक्शनल है, यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर अंदर जो है जेपी हॉस्पिटल ही है, JIT बना हुआ है, जेपी स्कूल बना हुआ है। तो आने वाले टाइम में ये टाउनशिप जो है बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट भी देगी, और आने वाले टाइम में रहने के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये DND से लगभग 8 से 10 किलोमीटर टेंटेटिव इसका एरिया पड़ता है, और ये आप लेफ्ट में देखेंगे तो इसमें 18 होल का और 9 होल का गोल्फ कोर्स है। यही एक ऐसी टाउनशिप है नोएडा के अंदर जहाँ पे पावर बैकअप भी है,
गोल्फ कोर्स भी है और अच्छे अपार्टमेंट, लग्जरी भी अपार्टमेंट है। बीच में कुछ कारणवश ये टाउनशिप में रुक गया था काम, क्योंकि जेपी का इंटरनल कुछ मैटर चल रहा था, बट वो अब रिजॉल्व हो गया लास्ट वीक ही। सुरक्षा ने इसको टेक ओवर किया है अभी। अब यहाँ पर घर बनना भी शुरू हो गए हैं, काफ़ी लोग रहना भी शुरू कर दिए हैं और काफ़ी तेज़ी से लोग अब यहाँ पर घर बना रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइजेस भी बढ़ेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, क्योंकि बीच में भी प्राइस थोड़े से यहाँ पर डाउन थे, अब धीरे धीरे यहाँ पर रेट भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। अगर बात करते हैं आसपास की बात करते हैं तो पीछे बैक साइड में आप देखेंगे तो पूरा बैक साइड के अंदर इसके फार्म हाउसेज भी बने हुए हैं। मेन रोड पे एक्सप्रेसवे के काफ़ी करीब है ये। और यहाँ पे साइजेज अगर हम प्लॉट की बात करेंगे स्पेसिफाई, तो इसके अंदर 239, 299, 358, 418 और 538 गज के स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। फ्यूचर में आपको यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करानी हो, प्लॉट लेना हो या कोई अपार्टमेंट लेना हो, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए और शेयर करिए अपने साथियों से भी। थैंक यू सो मच।